नमो नमः बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने उपन्यास आदि के विषय में अध्ययन किया था। आज आप लोग कहानी, निबंध, आलोचना, अन्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। कहानी। कहानी का उद्देश्य एक क्षण में घनीभूत जीवन दृश्य का अंकन अथवा जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत करना होता है। कहानीकार का मर्म जीवन के किसी मार्मिक क्षण में संवेदित होकर उसे कलात्मक एवं रोचक ढंग से रूपायित करना होता है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। हिंदी कहानी सामाजिक चेतना एवं यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति अर्थात एक नई दिशा की ओर मुड़ी वर्ष 1935 से। ये बच्चों कहानी की विशेषताएं हैं। अन्य सामयिक कहानियां, दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखा गया है। दुलाई वाली, रामचंद्र शुक्ल की है। 11 वर्ष का समय, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों के अंतर्गत शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, मंत्र, ईदगाह आदि हैं। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्र मंदिर, गुंडा आदि। इन कहानियों के अतिरिक्त यशपाल का ज्ञानदान, अभिशप्त, उत्तराधिकारी, इलाचंद जोशी की धूप देखा, आहुति, दिवाली और होली, उपेंद्रनाथ अश्क के हैं पिंजरा, अंकुर, पलंग, विष्णु प्रभाकर के हैं आदि और अंत, मेरा वतन, आखिर क्यों, अमृत राय की है कहानी, तिरंगे, कफन, इतिहास, रांगे राघो की देवदासी, समुद्र के फेन, भीष्म साहनी का पहला पाठ, शोभा यात्रा, डायन, अमरकांत की कहानी है कुहासा, मौत का नगर, संजीव की कहानियां हैं सफरनामा, प्रेतयुक्ति, खोज, मन्नू भंडारी की कहानी है मैं हार गई, त्रिशंकु, मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है लाल मनिया, गोमा हंसती है, कृष्ण शोभती, सिक्का बदल गया। आज साहित्यकारों ने भी कहानी लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों ये तो आपने अन्य प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों के अंतर्गत पढ़ा और प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां जानी। अब निबंध के विषय में समझिए। निबंध अंग्रेजी के एसे शब्द का पर्याय है। एसे का अर्थ है प्रयास, अर्थात किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना। सामान्यतया निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। निबंध चार प्रकार का माना गया है, वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक। उत्कृष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। अन्य प्रसिद्ध निबंधकार बाबू गुलाम राय, ठलुआ क्लब, चतुरसेन शास्त्री का अंतस्थल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पंच पात्र है। आलोचना। आलोचना का अभिप्राय किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप में करना या किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। आलोचना प्रक्रिया के प्रमुख क्षेत्र सिद्धांत निरूपण एवं व्याख्या। आलोचना के दो भेद बताए गए हैं, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना।
द्विवेदी युग में आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कालिदास की निरंकुशता, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन रूपक रहस्य, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, जयसी ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास सूरदास आदि पर आलोचनाएं लिखी हैं। अन्य विधाएं, आत्मकथा, हिंदी के आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा जैन कवि बनारसी दास जी की अर्धकथा है। अब बच्चों आगे साहित्यकार और साहित्य के विषय में समझिए। साहित्यकार भारतेंदु, साहित्य है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। साहित्यकार अंबिका दत्त व्यास, साहित्य है निज वृत्तांत। साहित्यकार स्वामी सिद्धानंद, साहित्य कल्याण का पथिक। साहित्यकार स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री, साहित्य मुझमें देव जीवन का विकास। भाई परमानंद साहित्यकार, साहित्य है आप बीती। साहित्यकार सुभाष चंद्र बोस, साहित्य है तरुण स्वप्न। साहित्यकार जवाहरलाल नेहरू, साहित्य है मेरी कहानी। राधा कृष्ण साहित्यकार, साहित्य है सत्य की खोज। के एम मुंशी साहित्यकार, साहित्य आधे रास्ते और सीधी चट्टान। साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साहित्य है मेरी आत्मकथा। साहित्यकार स्वामी भवानी दयाल, साहित्य है सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा। साहित्यकार सत्यदेव परिव्राजक, साहित्य स्वतंत्रता की खोज। साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य है मेरी कहानी। साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन, साहित्य है मेरी जीवन यात्रा। साहित्यकार वियोगी हरि, साहित्य है मेरा जीवन प्रवाह। साहित्यकार बाबू गुलाब राय, साहित्य है मेरी असफलताएं। साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, साहित्य है 60 वर्ष एक रेखांकन। शांतिप्रिय द्विवेदी साहित्यकार, साहित्य इनका है परिव्राजक की प्रजा। साहित्यकार यशपाल, साहित्य है सिंहावलोकन। साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका इनके साहित्य हैं क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक। जीवनी, इतिहास जैसी प्रामाणिकता एवं तथ्य पूर्णता के साथ साथ साहित्यता के तथ्यों से परिपूर्ण, ये इसकी विशेषता है पहली। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियां अधिक, साहित्यकारों की जीवनियां अपेक्षाकृत कम लिखी गई। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने लिखी। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी। डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, इसमें निराला की जीवनी। शांति जोशी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु जीवनी लिखी। संस्मरण सम प्लस स्मरण अर्थात सम्यक स्मरण। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा है। प्रमुख संस्मरण एवं उनके रचनाकार, रचनाकार और रचना।
रचनाकार के अंतर्गत महादेवी वर्मा, रचना स्मृति की रेखाएं स्मारिका, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रचना दीप जले शंख बजे, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, रचना नए पुराने झरोखे, उपेन्द्र नाथ अश्क, रचना मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, विष्णु प्रभाकर रचनाकार, रचना कुछ शब्द कुछ रेखाएं, राहुल सांकृत्यायन, बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, जगदीश चंद्र माथुर रचनाकार, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, सेठ गोविंद दास रचना स्मृति कण चेहरे जाने पहचाने, डॉक्टर नगेंद्र ने की रचना है चेतना के बिंब, माखनलाल चतुर्वेदी रचना है समय के पांव, रामधारी सिंह दिनकर रचना है लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियां, यात्रा वृत्त, यात्रा शब्द या धातु में सस्त्रन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है जाना। भारतेंदु जी के विविध यात्रा वृत्त कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित है। लेखक और रचना, राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा के 6 मास, राहुल सांकृत्यायन मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, भगवत शरण उपाध्याय लेखक, रचना वह दुनिया सागर की लहरों पर, लेखक अज्ञेय, रचना है अरे यावर याद रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, डॉक्टर नगेंद्र का तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, सेठ गोविंद दास लेखक रचना पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में, लेखक देवेंद्र सत्यार्थी रचना है धरती गाती है, रांगे राघो लेखक है रचना है तूफानों के बीच, मोहन राकेश लेखक रचना आखिरी चट्टान, मदंत आनंद कौशल्यायन लेखक रचना है आज का जापान, यशपाल लेखक रचना लोहे की दीवार के दोनों तरफ, लेखक अमृत राय रचना सुबह के रंग, हंस कुमार तिवारी लेखक है रचना है भू स्वर्ग कश्मीर, रेखा चित्र किसी व्यक्ति वस्त्र घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव अंकन जो किया जाता है वो रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण अभिधा मूलक होता है जबकि रेखा चित्र सांकेतिक एवं व्यंजक। स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नाम से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा को प्राप्त है। लेखक और रचनाएं, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, रचनाएं हैं लाल तारा, माटी की मूर्ते, गेहूं और गुलाब। देवेंद्र सत्यार्थी रचनाएं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध रविन्द्रनाथ ठाकुर, रिपोर्टाज किसी घटना का यथातथ्य साध्य वर्णन किया जाए तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। लेखक का घटना से प्रथम साक्षात्कार आवश्यक, हिंदी में इस विधा का सूत्रपात बंगाल के भयानक अकाल वर्ष 1943 में डॉक्टर रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच से लिखा गया।
डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा वर्ष 1938। प्रकाश चंद्र गुप्त स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अश्क पहाड़ों में प्रेममयी संगीत लिखा। राम नारायण उपाध्याय ने लिखा गरीब और अमीर। भदंत आनंद कौशल्यायन का है देश की मिट्टी बोलती है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने एक तस्वीर के दो पहलू, क्षण बोले, कण मुस्कुराए, दिल्ली की यात्रा, स्मृतियां आदि लिखी। शिव सागर मिश्र वे लड़ेंगे हजार साल, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा। डायरी, बच्चों डायरी के विषय में जानिए कि डायरी होती है क्या। अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन के डायस शब्द से निर्मित, जो संस्कृत के दिवस शब्द के समानार्थक है। डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजनामचा, दैनंदिनी आदि। स्पष्ट कथन, आत्मीयता, निकटता आदि इसकी विशेषताएं हैं। प्रारंभ लगभग वर्ष 1930 से। प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी। घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने। सुंदरलाल त्रिपाठी दैनंदिनी लिखी है। धीरेन्द्र धर्मा की डायरी मेरी कॉलेज डायरी। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता के लिए भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू शब्द प्रचलित हैं। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। हिंदी में इस विधा को शुरू करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी को, रत्नाकर एवं प्रेमचंद संबंधी उन्हीं को जाता है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी भदंत आनंद कौशल्यायन का, चिरंजी लाल एकाकी महादेवी वर्मा का, बेनी माधव शर्मा कवि दर्शन, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश, मैं इनसे मिला, देवेंद्र सत्यार्थी कला के हस्ताक्षर। डॉक्टर रणवीर रांगरा ने लिखा है सृजन की मनोभूमि। काल्पनिक भेंट वार्ता, बच्चों काल्पनिक भेंट वार्ता क्या होती है ये भी आप समझिए। इसके अंतर्गत राजेंद्र यादव ने चेखव एक इंटरव्यू लिखा। लक्ष्मी चंद्र जैन महावीर भगवान एक इंटरव्यू। पत्र साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम संग्रह महात्मा मुंशी राम द्वारा स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन वर्ष 1904 में प्रकाशित हुआ। पंडित भगवत दत्त द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। बैजनाथ सिंह विनोद द्विवेदी पत्रावली वर्ष 1954 में। बनारसी दास चतुर्वेदी पद्म सिंह शर्मा के पत्र वर्ष 1956 में लिखे गए। वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र वर्ष 1971 में लिखे गए। हरिवंश राय बच्चन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम वर्ष 1971 में। विदेशी यात्रा विवरण से संबंधित पत्र साहित्य। भदंत आनंद कौशल्यायन भिक्षु के पत्र भाग 1-2। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र सोवियत रूस पिता के पत्रों में। ब्रजमोहन लाल लंदन के पत्र। राजनीतिक चेतना से संबंधित देखिए क्या क्या लिखा गया, के अंतर्गत कौन कौन लेखक रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी ने लिखा बंदी की चेतना। काका कालेलकर ने लिखा बापू के पत्र संग्रहित।
गद्य काव्य या गद्य गीत। वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख, प्रेम करुणा, भक्ति आदि भावनाएं कल्पना चित्रों के माध्यम से भावपूर्ण गद्य में अंकित। गद्य काव्य का श्री गणेश राय कृष्णदास द्वारा कविंद्र रविंद्र का स्पष्ट प्रभाव पर लिखा गया। रचनाकार और गद्य काव्य देखिए बच्चों कौन कौन है। रचनाकार राय कृष्णदास, गद्य काव्य लिखा साधना, छायापत प्रवाल। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा साहित्य देवता। वियोगी हरि ने श्रद्धा कर्ण तथा तरंगिणी। आचार्य चतुर्सेन ने मरी खाल की हाय जवाहर। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने शेष स्मृतियां। तेज नारायण काक ने निर्झर पाषाण। ब्रह्मदेव ने निशीत आंसू भरी धरती उदीची। बच्चों आज आपका ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह से आपका ये पाठ भी पूरा होता है। धन्यवाद बच्चों।